Hey everyone, welcome to Food Fitness and Fun. आज हम आपके लिए चार क्विक ओट्स की रेसिपी लेकर आए हैं वेट लॉस के लिए. एज अ डाइटिशियन, जब भी मैं किसी को ओट्स खाने को सजेस्ट करती हूँ तो मुझे काफ़ी टाइम ये रिप्लाई मिलता है कि ओट्स का टेस्ट अच्छा नहीं लगता या खाने में पसंद नहीं है. तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाए किचन में और ऐसी कुछ रेसिपीज लेकर आएँ जो ओट्स को स्पेशल, टेस्टी और डिलीशियस बना दें. हमारी पहली रेसिपी है स्पेशल समर ओट्स रेसिपी. एक पैन में ऑलिव ऑयल लेकर उसमें जीरा हमने भुना है और ये है उड़द दाल. इसे अच्छी तरह से हम धीमी आंच पे पकाएंगे और फिर इसमें हमने डाले हैं करी घी. इसे घी अच्छी तरह से पकाने के बाद हम इसमें डालेंगे 3 से 4 चम्मच, टेबल स्पून यहाँ मैं बात कर रही हूँ, ऑफ कोकोनट. आप फ्रेश कोकोनट यूज़ कर सकते हैं या फिर ड्राई कोकोनट ग्रेटेड. हमने इसमें 1 कप पानी डाला है और स्वाद के अनुसार नमक. इसे अच्छी तरह से हम पकने देंगे और फिर हम इसमें 3 से 4 टेबलस्पून, यहाँ भी टेबलस्पून डालेंगे ऑफ क्विक ओट्स या जिसे इंस्टेंट ओट्स भी कहा जाता है. आप किसी भी ब्रांड के ओट्स यूज़ कर सकते हैं. अब इसे पकाएंगे, 2 या 3 मिनट के अंदर ये पूरा पानी सोख कर लेंगे ओट्स, और फिर इसे पकने के बाद हम इसे ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे. थोड़ी ही देर में ये ठंडा भी हो जाएगा. अब एक बोल में हम ऐड करेंगे कटे हुए क्यूकम्बर यानी खीरे के छोटे छोटे किए हुए स्लाइसेस. ये हैं गाजर, हमने गाजर ली है. कैप्सिकम बहुत छोटा काटना है कैप्सिकम को. ये है टमाटर और ये है फ्रेश कोरिएंडर यानी धनिया. मैं यहाँ चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ. अगर आपको चिली फ्लेक्स नहीं पसंद है, क्योंकि मैंने कुछ मसाला ऐड नहीं किया है ओट्स के अंदर. अब ये ठंडे किए हुए ओट्स हम इसमें डाल देंगे. ये मेरी सबसे मनपसंद, जितने भी मैंने रेसिपी ट्राई की है सबसे मेरी मनपसंद ये रेसिपी रही है, इसीलिए मैंने इसे पहले नंबर पर रखा है. ये है मिक्स हर्ब्स, ये भी ऑप्शनल है. अगर आपके पास नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ये हमने इसमें डाली है मूंगफली. ये क्रंची टेस्ट देंगे सारे वेजिटेबल्स के साथ. जब ये मूंगफलियाँ आएगी मुँह में बहुत ही डिलिशियस टेस्ट लगेगा इसका. और ये आप ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, लंच में खा सकते हैं. आप इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर फेंट कर दही डाली है, 4 से 5 चम्मच दही. और ये है मिंट का पाउडर. बहुत ही रिफ्रेशिंग रेसिपी है ये. जैसे मैंने कहा, आप इसे लंच में ट्राई कीजिए. प्रोटीन जो है वो इसमें मूंगफली से और दही से आ रहा है. इवन ओट्स हैज़ गुड क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन. बहुत ही हेल्दी कार्ब्स हैं इनके अंदर, वेजिटेबल्स हैं इसके अंदर. ये 1 सर्विंग बनेगी आपकी. ये सारे जो मैंने इंग्रेडिएंट बताए हैं उससे मैंने इसे गार्निश किया है एक करी लीव से. इसे इंजॉय कीजिए. बहुत ही न्यूट्रिशियस रेसिपी है, बहुत ही डिलिशियस, और आपने शायद ऐसे ओट्स कभी खाए नहीं होंगे. दूसरी रेसिपी है पालक पनीर ओट्स. अब पालक पनीर भी बहुत ही डिलिशियस लगता होगा, लेकिन ओट से कैसे बनाएं वो मैं आपको बताती हूँ. हमने 1 कटोरी ये बेबी स्पिनिश लिया है. अगर आपके पास नॉर्मल स्पिनिश यानी पालक है तो आप उसे भी ले सकते हैं 1 कटोरी. और हमने 1 छोटा टमाटर लिया है. हमें इसकी प्यूरी बनानी है यानी इसे ग्राइंडर में अच्छी तरह से पीस कर इसका एक पेस्ट तैयार करना है. अब एक पैन में ऑलिव ऑयल, ये है कटा हुआ गार्लिक. अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से प्याज, 1 छोटा कटा हुआ प्याज काफ़ी होगा. तो हम इसमें अब प्याज ऐड कर देते हैं. जो गार्लिक है वो मैंने इसमें इसलिए ऐड किया है क्योंकि कई लोगों को थोड़ा सा पालक को डाइजेस्ट करने में दिक्कत होती है. तो मैं जब भी अब बेसन की या फिर पालक की, मैं उसमें थोड़ा सा गार्लिक ऐड कर लेती हूँ. अब ये पेस्ट या प्यूरी हम इसमें ऐड करेंगे और इसे ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसे चलाएँगे. पानी ऐड करेंगे इसके अंदर 1 कप पानी यानी 200 से 250 ml. इन सारी रेसिपीज़ में आप अपनी मुताबिक कंसिस्टेंसी को रख सकते हैं. अगर आपको पतले थोड़ा सा ओट्स में लिक्विडी ओट्स पसंद है तो ज़्यादा पानी ऐड कीजिए, वरना आप कम भी ऐड कर सकते हैं. और अब जब ये अच्छी तरह से पक जाएगा, कच्चापन नहीं होना चाहिए, हम इसमें पनीर के कुछ पीसेस डालेंगे. 40 grams पनीर इनफ होगा 1 सर्विंग के लिए. और 3 से 4 टेबलस्पून हम इसमें क्विक ओट्स डालेंगे. अगेन किसी भी ब्रांड के आप यूज़ कर सकते हैं. प्रोटीन इस रेसिपी में आ रहा है पनीर से. आयरन, कैल्शियम सब में रिच है और टेस्ट को बहुत इन्हांस करेगा. आप नहीं, अगर अपने घर में आप किसी को भी ओट्स पसंद नहीं है तो आई एम श्योर आप ये रेसिपीज ट्राई कीजिए. इस तरह से उन्हें ओट्स बनाकर खिलाइए, वो कभी खाने से मना नहीं करेंगे. हेल्दी है, टेस्टी है, डिलिशियस है, वेट लॉस में आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे. और सबसे ज़रूरी कि जब आप
टेस्ट के अकॉर्डिंगली खाएंगे, जब आप टेस्टी खाना खाएंगे तो वो आपकी बॉडी को भी लगेगा, अच्छी तरह ऑब्जर्व होंगे उसके विटामिंस एंड मिनरल्स आपकी बॉडी में, तो इसे भी ट्राई कीजिए। और अब हम चलते हैं अपनी तीसरी रेसिपी की तरफ और वो है कैरेट एंड वॉलनट। तो ये तो नमकीन थी अभी तक की रेसिपी और ये है एक मीठी रेसिपी। हमने दो मीडियम साइज़ कैरेट्स लिए हैं, आजकल तो गर्मियों में भी कैरेट्स आती हैं, अब ऑरेंज जो कैरेट्स आती हैं वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। कैरेट को हमने बिना कोई तेल या कुछ डाले या घी डाले पकाया है, थोड़ा सा उसे धीमी आंच पर, और इसमें एक कप हमने दूध डाल दिया। आप चाहें थोड़े से घी का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं, वो भी टेस्ट को एनहांस करेगा, लेकिन मैंने यहाँ नहीं यूज़ किया है। मुट्ठी भर हम इसमें वॉलनट्स ऐड कर देंगे। वॉलनट्स काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होते हैं, हेल्दी फैट उनके अंदर होता है। ये हैं थोड़ी सी रेजिन्स यानी किशमिश हमने ऐड किए, ये मीठापन देके, गाजर से भी इस रेसिपी में मीठापन आएंगे। और ये है स्पेशल इंग्रेडिएंट, सिर्फ एक टेबलस्पून वर्मसिली यानी सेवियाँ, जो राइस की सेवियाँ होती हैं वो मैंने ऐड की हैं इसके अंदर। जो कई बार क्या होता है, जब हम गाजर को और दूध को मिलाते हैं तो गाजर अलग रह जाती हैं और दूध अलग रह जाता है, तो उससे बचने के लिए हमने यहाँ पर सेवियों का इस्तेमाल किया है। और अगेन 3 से 4 टेबलस्पून इसमें हमने क्विक ओट्स को ऐड किया है। इसकी कंसिस्टेंसी भी आप अपने अकॉर्डिंगली, अगर आपको थोड़ा पतला खाना है पतला रख लीजिए, थोड़ा थिक खाना है तो थिक रख लीजिए। 1/4 टेबलस्पून जागरी मैंने इसमें ऐड की है, लेकिन आप जब ये ऐड करें तो अपनी गैस बंद कर दें। आप चाहें तो इसमें हनी भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये भी रेसिपी पसंद आई होगी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी रेसिपी है। आप बच्चों को खिलाइए, खुद खाइए, किसी को भी खिलाइए, बहुत ही अच्छी तरह इन्जॉय करेंगे। मैं इस पे एक पिंच सिनेमन ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो कार्डमम पाउडर ऐड, और ये थोड़ा सा गार्निश करने के लिए मैंने इस पर डाल दिया है गाजर और थोड़े से वॉलनट्स और ये है 2 ब्लैक करंट्स। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। और अब हम मूव करते हैं अपनी अगली रेसिपी की तरफ और वो भी इन सभी रेसिपी की तरह मेरी फेवरेट है। ये है मिक्स वेज पोहा। ओट्स का पोहा बनाना बहुत ही आसान है। एक बार फिर 1 चम्मच ऑलिव ऑयल मैंने लिया है, हम उसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे, जब पकने लग जाए तो हमने इसमें डाला है ये गार्लिक यानी लहसुन छोटा छोटा काटा हुआ, करी लीव्स, इसमें मैं प्याज ऐड नहीं कर रही हूँ। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, ये सारी रेसिपी लेस देन 15 मिनट्स में आपकी बनकर तैयार हो जाएगी। जो मॉर्निंग में हबड़ा दबड़ी होती है, नहीं मिलता है टाइम, तो बहुत इजी है ये रेसिपीज आपको बनानी। मैंने इसमें मटर और गाजर ऐड किए हैं, थोड़ा सा पानी में हम पहले इसे पकाएंगे। शुरू में हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि ज़्यादा सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा पानी डाल के पकाएंगे तो वो सब्ज़ियाँ ज़्यादा टाइम लेंगी पकने में। ये सब्ज़ियाँ थोड़ी सी पक गई हैं, अब इसमें अपने स्पाइसेस मैं ऐड करूँगी। सबसे पहले हमने इसमें टर्मरिक 1/4 टीस्पून चिली पाउडर डाला है, स्वाद के अनुसार नमक, और फिर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो और सब्ज़ियाँ सीजन में जो भी अवेलेबल आपके घर में सब्ज़ियाँ हों, कैप्सिकम हों या फिर थोड़ा सा पोटैटो भी डाल सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है, तो जो भी सब्ज़ियाँ मशरूम्स आप इसके अंदर डाल सकते हैं उसे डालिए, क्योंकि जितनी वेजिटेबल्स आप डालेंगे उतना ज़्यादा इसके अंदर न्यूट्रिशियस वैल्यू इसकी बढ़ेगी। 3 से 4 चम्मच मैंने यहाँ पर क्विक ओट्स डाला है और अब इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। ये सारा मॉइस्चर जो है ओट अपने अंदर सोख लेगा, थोड़े ही देर में ये ड्राई हो जाएंगे। क्विक ओट्स को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मुश्किल से अगर आप क्लॉक को भी देखें और मीडियम आँच पर पकाएं तो 2 से 3 मिनट में पककर तैयार हो जाता है। हमारे ओट्स बनकर तैयार हो गए, इसे गार्निश कर देते हैं। थोड़ा सा हमने मिक्स हर्ब्स लिए हैं, साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा घिसा हुआ नारियल, आप अगेन फ्रेश यूज़ कर सकते हैं, ड्राई यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा कोरिएंडर फ्रेश डालेंगे और साथ ही इसमें थोड़ी सी पीनट्स डालेंगे क्रंचीनेस के लिए। मैंने नींबू 1/2 चम्मच नींबू का रस डाली है, इसमें बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आएगा। ये रेसिपी भी झटपट बनकर तैयार हो जाती है। आई होप आपको ये भी रेसिपी पसंद आई होगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। हेल्दी 4 रेसिपीज़ यहाँ पर मैंने आपके साथ शेयर की हैं। ऐसी बहुत सारी ओट्स की रेसिपीज़ मैं और कोशिश कर रही हूँ जल्द शेयर करें। अगर आपको ये पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। आई होप आपको ये पसंद आएंगी, आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे और अपनी फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और
प्रेस द बेल, जो बेल का बटन होता है सब्सक्रिप्शन के साथ, उसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जल्दी से जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिले. और हमें इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं आप, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. थैंक यू.